तो हमारा आ जाता है फाइलम प्लेटी हेलमेंट्स तो मैंने इसे कुछ इस तरह से याद करा है कि प्लेट फ्लैट यानी कि इसमें आते हैं फ्लैट वर्म्स और प्लैट फ्लैट एंड एफ से ही आता है हमारा फिर फ्लेम सेल्स तो इसमें जो हमारी एक्सक्रीशन और ओसमो रेगुलेशन होगी वो होगी फ्लेम सेल से इसे ऐसे ही याद करने की कोशिश करनी है प्लेट फ्लैट एंड फ्लेम ठीक है ये डोरसोवेंट्रली फ्लैट एंड बॉडी होती है इनकी ठीक है यानी ऊपर से दबाई हुई तरह से ये जनरली एंडोपैरासाइट होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पैरासाइट की तरह अंदर किसी की बॉडी के ये पैरासाइटिक मेंबर्स जो हैं इनके इनमें हुक्स और सकरस प्रेजेंट होते हैं जो इनकी पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं ये जनरली हर्माफ्रोडाइट होते हैं इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट इन जो है इनका इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एस्क हेलमिथ फाइलम के